हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस एग्जाम। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के एग्जाम ओवर हो चुके हैं, मेंस के एग्जाम होने वाले हैं जनवरी में। तो हम मेंस की जो इकोनॉमी है, जीएस इकोनॉमी जनरल स्टडीज जो पेपर थ्री है, उसका हम इकोनॉमी पोर्शन कवर करेंगे। तो इकोनॉमी में एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट और रेलवे। तो आज हम टॉपिक देखेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन इंडियन रेलवेज। देखिए, अगर आप देखोगे तो न्यूज पेपर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बार बार न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट बार बार रिव्यू कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्दी से कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। देखिए, इंडियन जो रेलवे है, ट्रेनें जो चलती हैं, तो सेम ट्रैक पे फ्रेट ट्रेन चल रही है और पैसेंजर ट्रेन चल रही है। तो डेडिकेटेड का मतलब है कि गवर्नमेंट नया कॉरिडोर बना रही है, फ्रेट कॉरिडोर, जिस पे केवल फ्रेट ट्रेन चलेंगी। डेडिकेटेड, केवल फ्रेट ट्रेन चलेंगी, उस पर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो गवर्नमेंट जो इंडियन रेलवे है, एक तो वेस्टर्न और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो मुंबई से गुजरात पहुंचेगा, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और हरियाणा से दादरी। तो दादरी से मुंबई, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो पंजाब से चलेगा, पंजाब से हरियाणा, फिर यूपी होते हुए बिहार, झारखंड होते हुए ये वेस्ट बंगाल में जाके टर्मिनेट होगा। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दो कॉरिडोर इंडियन रेलवे ने लॉन्च किए। तो इन पे केवल फ्रेट ट्रेन चलेंगी। तो देखिए, ये दोनों जो कॉरिडोर है ये दादरी में जाके मिलेंगे, ये दोनों कॉरिडोर है दादरी में। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहां से क्या है, कोयल है, ठीक है ना, कोल है, स्टील है, ये सब आप कहां से, यहां से आप सीधे कहां पहुंचा सकते हो, यहां से आप मुंबई तक पहुंचा सकते हो, पोर्ट के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह कोयला है, कोयला स्टील प्लांट, पावर प्लांट है, हरियाणा में पावर प्लांट है, राजस्थान में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो कोयला आप क्या है पहुंचा सकते हो टाइमली। तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, पांच स्टेट में जा रहा है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, छह स्टेट से पास हो रहा है। तो देखिए, वही हमने जो डिटेल में बनाया था। अब देखिए, नीड क्या पड़ी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, नीड किस लिए पड़ी है। तो वापस देखिए, हम मैप पे आते हैं। देखिए, जो इंडियन रेलवे है, इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है नई दिल्ली से मुंबई पहला, नई दिल्ली से कलकत्ता दूसरा, मुंबई से चेन्नई तीसरा, और चेन्नई से कोलकाता चौथा। चार ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इंडियन रेलवे का। इसके अलावा दो डायगोनल है, मुंबई से कोलकाता पांचवा, और दिल्ली से चेन्नई छठवा। ये छह ट्रैक हैं इंडियन रेलवे के, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और टू डायगोनल कहते हैं। ये ट्रैक जो है वो करीब 10,000 किलोमीटर का रूट है। अब रूट तो 10,000 किलोमीटर का है, जो टोटल रूट का 16% है, लेकिन अगर हम देखें इसमें 52% पैसेंजर ट्रैफिक आता है और 58% फ्रेट ट्रैफिक आता है। और एरिया कितना है, 16% रूट है टोटल ट्रैक का। ये जो ट्रैक है वो हाईली सैचुरेटेड है। जो हावड़ा दिल्ली वाला रूट है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पे आ रहा है, सॉरी ईस्टर्न कॉरिडोर जो आ रहा है, और मुंबई दिल्ली वाला, ये हाईली सैचुरेटेड है। आपने देखा होगा ट्रेनें जो है इस कॉरिडोर पे, जो ट्रेनें चलती हैं इस रूट पे, वो काफ़ी लेट हो जाती हैं। फ्रेट ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा लेट होती है। इसी तरह इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है। लेकिन रेलवे क्या है,
सेम ट्रैक पे ज़्यादा ट्रेनें नहीं चला सकती, पैसेंजर ट्रेन भी बढ़ानी है, फ्रेट ट्रेन भी बढ़ानी है, सेम ट्रैक है। तो इसलिए रेलवे ने डिसाइड किया ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चलाने का। इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सेटअप की है, जो कि सारा प्लानिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करेगी। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है। केवल फ्रेट ट्रेन चलेंगी तो क्या होगा, कंजेशन रिड्यूस होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चला सकते हो। और इससे क्या होगा, फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन है दोनों की स्पीड बढ़ेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा। इससे क्या, इम्प्रूव ईज ऑफ लॉजिस्टिक। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, इंडियन गुड्स की ज़्यादा है। अगर आपको कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो आपको पोर्ट तक गुड्स पहुंचाना पड़ेगा, बाई रोड अगर आप पहुंचाते हो तो आपको क्या है, कॉस्टली पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और रेलवे के थ्रू कॉस्ट कम पड़ती है, टाइम कम लगता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली देखें तो फ्रेट ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर ही आती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 75 से इसकी स्पीड 100 की जाएगी और एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आ आएगी। तो जो गुड्स 3 दिन में पहुंचता था अब वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। इससे क्या है, एक्सपोर्टर जो है मुंबई पोर्ट पे, जहां से पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां पे इजीली आप सामान पहुंचा सकते हो। तो प्रोजेक्ट विल इमेंसली बेनिफिट पोर्ट एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, शिपिंग लाइंस, कंटेनर ऑपरेटर, इनको बहुत बेनिफिट होगा। ये टाइमली क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना सामान पहुंचा सकते। इसी तरह फेरी सेविल गुड्स है, जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स है, आलू, प्याज, टमाटर, तो ये सब क्या है कि आप टाइमली पहुंचा सकते हो जहां पे स्केट सिटी है। इसी तरह प्रोजेक्ट विल एक्ट एज ए कैटालिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एरिया अलोंग दी कॉरिडोर। देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां बनेगा उसके साथ साथ क्या, इंडस्ट्री भी डेवलप होंगी। प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड मच नीडेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एग्जिम ट्रेड। इसी तरह जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फ्रेट टर्मिनल और थीम पार्क वो भी डेवलप होंगे। किसी को अपना गुड्स भेजना है तो लॉजिस्टिक पार्क है, फ्रेट टर्मिनल है, वहां पर गुड्स छोड़ दिया, वहां से आगे वो डेस्टिनेशन पर गुड्स पहुंच जाएगा। इसी तरह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके सहारे से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, और अमृतसर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। दैट रिवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ इंडियन कंपनी। तो देखिए फ्रेट कॉरिडोर के सहारे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सहारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, और ईस्टर्न के सारे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। इससे क्या है, इंडस्ट्रीज आएंगी, डेवलप होंगी, इवन इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप अलोंग दी फ्रेट कॉरिडोर ड्यू टू बेटर ट्रांजिट टाइम। इसके अलावा देखिए आप गुड्स को रोड के थ्रू करते थे तो आपका डीजल की खपत हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। रेलवे के थ्रू लो कार्बन इंटेंसिव मोड है रेल ट्रांसपोर्ट, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से करीब 450 मिलियन टन ऑफ CO2 जो है वो सेव होगी इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। अगर हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखें तो अभी 500 किलोमीटर का जो है वो कंप्लीट हुआ है। देखिए ये कॉरिडोर की जो लेंथ है, वेस्टर्न डेडिकेटेड की तो 1504 किलोमीटर है और ईस्टर्न की 1856 है, लेकिन अभी कंप्लीट जो हुआ है वो 500 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है। अभी 500 किलोमीटर में देखिए 194 किलोमीटर तो खुर्जा से बैडन कंप्लीट हुआ ईस्टर्न DFC का, और वेस्टर्न DFC का रेवाड़ी से मादर ये 306 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अप्रैल 2005 में अनाउंसमेंट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल 2005 में अनाउंसमेंट की थी, लेकिन देखिए डिले होता गया है। डिले किस वजह से है, लैंड एक्विजिशन का डिले है, रेजिस्टेंस बाई प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस है, इसकी वजह से अभी फिजिकल प्रोग्रेस वो है 63% है एज ऑन 31 जुलाई। कॉस्ट इसकी 81,000 करोड़ है, हालांकि कॉस्ट तो देखिए अभी कॉस्ट ओवररन होगा, कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलावा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी उन्होंने
लॉन्च की है टू अंडरटेक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर तैयार करने के लिए तीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और उन्होंने लॉन्च किया है। एक है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से विजयवाड़ा जाएगा, ईस्ट वेस्ट वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र और नॉर्थ साउथ दिल्ली से तमिलनाडु। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो तीन और जो है वो क्या है, खड़गपुर से विजयवाड़ा से खड़गपुर, यानी कि इस ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, और दूसरा नॉर्थ साउथ दिल्ली से चेन्नई, और तीसरा है मुंबई से कोलकाता। तो तीन कॉरिडोर और डेवलप हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसके ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये एक तो डेली न्यूज में आ रहा है, और ये कॉरिडोर बनने से इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट होगा, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस इस पर ज्यादा है, क्योंकि इस कॉरिडोर के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये जो नोट्स है जो वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहां से आप इस नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।